कालीमंडा में सांसद एवं विधायक ने ग्रामीणों साथ की सभा। फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के कारण विस्थापित हो रहे ग्रामीण। कुमार धुबी सहित आसपास के रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से 4 पंचायतों के लगभग 10,000 लोग के विस्थापित होने की सूचना तथा ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों से के आग्रह पर बुधवार को धनबाद सांसद पीएम सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता कालीमंडा में आयोजित सभा में पहुंचे, जहां चारों पंचायत में शिवलीबाड़ी मध्य, शिवलीबाड़ी पूर्व, मेड़ा एवं 11 कोण दक्षिण के ग्रामीण उपस्थित हुए। सभी ने रेलवे द्वारा दिए गए नोटिस की जानकारी देते हुए पुनर्वास की मांग की। कहा कि हम लोग विकास के बाधक नहीं हैं, परंतु जिस जगह से हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है उस जगह पर लगभग हम लोग 70 से 80 वर्षों से निवास कर रहे हैं। अचानक रेलवे का नोटिस दिया जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। रेलवे उतना ही जमीन ले जितना उसको जरूरत है, न कि ग्रामीणों को उजाड़ने का उद्देश्य से काम करे। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद सांसद पीएम सिंह ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण केंद्र सरकार की योजना है। देश की आवश्यकता के अनुसार रेलवे लाइन बढ़ाया जा रहा है। इसमें बुलेट ट्रेन जैसी योजनाएं भी शामिल है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक यह निर्माण कार्य चालू है। इसको लेकर रेलवे किनारे दीवार दिया जा रहा है ताकि हाई स्पीड ट्रेन के सामने किसी तरह का मवेशी या अन्य कोई जानवर ना चलाए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीवार का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसके बावजूद मैं DRM से आग्रह करूंगा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही जमीन का ही वे अधिग्रहण करें, बेवजह ग्रामीणों को परेशान ना करें। अभी लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। विस्थापित हो रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी भी जरूरी है, क्योंकि जो विस्थापित हो रहे हैं वह कहीं और के नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग हैं। उपायुक्त धनबाद से भी मिलकर विस्थापित हो रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले, इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि किसी भी स्थिति में मैं यहां के लोगों को उजड़ने नहीं दूंगी। विधानसभा सत्र की भी शुरू होने वाला है, मैं उसमें भी इस मामले को उठाऊंगी तथा सांसद जी के निर्देश अनुसार एक टीम बनाकर DRM आसनसोल से मुलाकात की जाएगी, जिसमें उनसे आग्रह किया जाएगा कि कम से कम लोग विस्थापित हो इसी नीति के तहत रेलवे कार्य करे। लाइन के बगल में जो हमारे घर बसे हुए हैं उनको नोटिस आया है कि आप खाली कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बोलना है आप अगर उसको जानना चाहते हैं तो आपको तो बसाने का भी तो आपको काम है, आप वहाँ बसाइएगा। और बाकी जो भी बात वो सांसद होते जो बोले कि मतलब DRM मिलना है विधायक का अध्यक्षता में कमेटी हम लोग जाके मिलेंगे तो सब ठीक है, हम लोग मिलेंगे। दूसरा बात है हम लोग से इस हिसाब से भी हमने खुद बात करेंगे कि इन लोग का जो प्रधानमंत्री आवास हो जमीन देखे, इन लोग का प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करें और इन्हें बसाने का काम। और 19 तारीख से मेरा भी विधानसभा सत्र चलेगा, विधानसभा में भी हम ये बात को रखेंगे कि आज 70-80 साल से सब वहाँ बसे हुए हैं और उसे उजाड़ा जा रहा है, हर हाल में उजड़ने नहीं देंगे, उसे बसाया जाए। और जो माननीय हमारे सांसद जी बोले कि प्रधानमंत्री आवास इसका इस पर भी हम विधानसभा में बात करेंगे, सबों को प्रधानमंत्री आवास देके उन्हें बसाएंगे। रेलवे के बाउंड्री वॉल की वजह से समस्या क्षेत्र में आ गई है, हजारों की संख्या में लोग बनाकर 70 साल से रेलवे लाइन के आसपास लोग बसे हुए थे, लेकिन जो अभी द्रुतगामी बहुत तेज चलने वाली ट्रेनें शुरू होने वाली, इसके लिए रेलवे अपने रेलवे लाइन से हटकर बाउंड्री वार कर रही है ताकि कोई जनता का जान माल की रक्षा की जा सके। लेकिन इसी बीच इन गरीबों का झुग्गी झोपड़ी भी कहीं आसियाना बच सके, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वह रेलवे की राष्ट्रीय नीति, क्योंकि यह देश भर में यह कार्य चल रहा है, वंदे मातरम ट्रेन जो काफ़ी तेज और इसके बाद बुलेट ट्रेन का भी है, फिर रेलवे लाइन का
दो लाइन से चार लाइन करने की योजना भी है, तो यह गरीब का मकान भी सुरक्षित हो जाए रहे। यह पुनर्वासित है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार से बात करकर और रेलवे के DRM से माननीय विधायक कल्पना सिंह गुप्ता जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आसनसोल जाकर मिलेगा और मिलकर इस गरीबी के घर को बढ़ा